Hello guys, subscribe the Kistan Knowledge channel and hit the bell icon to get all the latest notification about the technical and educational videos. Hello guys, welcome to all of you to your YouTube channel Kistan Knowledge, myself Praveen. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे. इससे पहले की वीडियो में जो कि मैंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म मैंने अपने एक फ्रेंड को भरा था, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी प्रोसीजर बताई थी उसमें कि कैसे पेमेंट करना है, कैसे फोटो अपलोड्स करने हैं. अगर कुछ इरर हो जाती है मान लो फॉर्म में, जस्ट लाइक योर ट्रेड, जैसे किसी ने 10th की जगह पर ITI डाल दिया हो, है ना, या किसी ने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया हो, या फिर परसेंटेज मार्क्स का 10th का गलत चल गया हो, तो उसे एडिट करने के लिए जो 100 रुपीज़ का प्रावधान है वो आपको लगेगा, है ना. तो अगर मान लो किसी को दिक्कत हो रही हो कि किसी का फॉर्म फिल गलत हो गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, है ना. अगर कमेंट ज़्यादा रहे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बना दो, ठीक है. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रुप डी के एक्चुअली सिलेबस की बात करेंगे, है ना. फॉर्म तो हमने अपने फ्रेंड का भर दिया था, तो उसने सिलेबस के को मैंने इसको सेंड किया था उसे कि ये सिलेबस आ रहा है, ठीक है. तो आज हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा रेलवे है वो 3 स्टेप्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है. पहला स्टेप जो है CVT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, एंड द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है. तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे दोस्त न्यू है वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आई नीड योर सपोर्ट, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा ले जिससे कि आप तक मेरे इस चैनल से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हो वो पहुँच सके, ठीक है. मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में ही होगा, ठीक है. आई होप कि आप लोगों ने वीडियो फॉर्म फिल कर दिया होगा, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला स्टेप है ना, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में, तो जो हमारा पहला स्टेप है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, CVT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इसलिए बिल्कुल माइंड में इस चीज़ को बैठा के चलो कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है. इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है माउस से रिलेटेड, मतलब आप माउस को हैंडल नहीं कर पाओगे, कर्सर बहुत ही फास्ट मूव करता है जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो मैं उन दोस्तों को ज़रूर ये अब मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कुछ प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएँ, अदरवाइज़ माउस को हैंडल करने में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट चला जाए, ठीक है. क्योंकि मैंने देखा है मेरे जो भी मेरे दोस्त हैं जो गेट के एग्ज़ाम देते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी जब वो एक बार इस बार ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे माउस से, है ना. तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, ठीक है. तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा एक्चुअली में, तो उसमें जो देखो टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट, है ना, 1.5 आवर, ठीक है. और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है. एंड द मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी इन द वेरियस कैटेगरी, और आपको कम से कम कितने मार्क्स के लिए प्रावधान है, 40% लाना है. अगर आप उससे कम लाते हो तो आप रिजेक्ट हो जाते हो, है ना, आप पास नहीं होते हो. तो कम से कम जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनके लिए 40%, OBC के लिए 30%, इसको आप एक तरह से कट ऑफ बोल सकते हो, है ना. एक आपका मिनिमम आपको इतने लाने ही लाने हैं, है ना. सो 30% है, फिर जो SC ST के लिए 30% है, जस्ट लाइक OBC ST के लिए भी 30% है ना. सो दीज परसेंट ऑफ मार्क्स आर एलिजिबिलिटी मे बी रिलैक्स 2% फॉर द PWD, है ना, जो भी हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए 2% का रिलायबिलिटी है, ठीक है. अब जो हमारे जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस कैटेगरी से होंगे, किस किस उनकी क्या क्या नेचर है, या किसी ट्रेड से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है. तो जो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, जिसमें कि हमारा 100 क्वेश्चन में जो पहला सेक्शन आता है वो हमारा है मैथ्स, ठीक है. तो मैथ्स से क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है. मैथ्स से क्वेश्चन रहेंगे तो अब इनका वेटेज तो यहाँ क्लियर मेंशन नहीं किया कि मैथ्स से कितने क्वेश्चन रहेंगे, है ना. सेकंड जो हमारा है जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग, ठीक है. थर्ड है हमारा जनरल साइंस, ठीक है, थर्ड है हमारा जनरल साइंस, एंड द लास्ट वन इज जनरल साइंस ऑन द करेंट अफेयर्स, ठीक है. तो ये हमारा सिलेबस है.
अगर मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स में आप जो स्टूडेंट SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के रेलवे से एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर जो बच्चों को ट्यूशन देते हैं, एटलीस्ट 10th तक के बच्चों को ट्यूशन देते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, उनका मैथ पोर्शन अच्छा रिविज़न होते रहता होगा। तो मैथ्स के लिए तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बट अपनी एफिशिएंसी को बढ़ानी पड़ेगी, टाइम कम करके मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाने का जो आपका अप्रोच होना चाहिए, है ना, तब जाके आप एक अच्छे, भले मैथ में सब अच्छे होते हैं बट कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ बनानी, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, नो डाउट मैथ आता होगा क्योंकि सिलेबस कोई ज़्यादा वो नहीं है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, LCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे 8th 9th के सिलेबस ही हैं। परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्ट्रेंथ, ना सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ना तो ये सारी चीज़ें 7th 8th 9th जो भी ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए आसान होगी। ठीक है, नीचे हमारा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, इसमें एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलॉलिज्म, जंबलिंग, वेंडर, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि बनाओगे फिर भूल जाओगे, इसलिए रेगुलर टच में रहना पड़ेगा, एटलीस्ट रोज कम से कम कोशिश करनी है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बनाएं। ठीक है, जनरल साइंस की अगर बात करते हैं तो जो सिलेबस अंडर द सेल का फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस और 10th स्टैंडर्ड, अगेन जो भी ट्यूशंस पढ़ाते हैं बच्चों को, जो भी हमारे दोस्त है ना पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है जनरल साइंस के लिए, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री के टच में हमेशा रहते हैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो लूसेंट अच्छा है, लूसेंट बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी कुछ उसमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर जो हमारा 4th कैटेगरी जनरल अवेयरनेस ऑन द करेंट अफेयर्स, नो डाउट आपको न्यूज़पेपर्स पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़ चैनल्स देखने पड़ेंगे, द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको हर रोज़ के अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना, हर चीज़ को। तो ये हमारा सिलेबस का बात हो गया, ये सिलेबस कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैथ्स कर लोगे, जनरल साइंस कर लोगे, हाँ रीजनिंग और अवेयरनेस जो कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, बात करते फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है यार, इसमें 35 kg है ना आपको वजन उठाकर 2 मिनट तक 100 मीटर की दूरी को तय करनी है। ठीक है, अब बच्चा प्रैक्टिस कैसे करेगा इस चीज़ को, तो मैंने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि अपन दोस्तों को उठाना शुरू करते हैं, है ना, मतलब माय फ्रेंड कितना वजन होगा उसका, 60, 65, 70 है ना, उस हिसाब से उसको आधा कर लो, 50 मीटर इन द 1 मिनट। ठीक है, तो आप इस तरह से कोशिश करो कि आप 35 kg वाला जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसको ट्रैक करने की। वैसे तो पहले आप फर्स्ट स्टेज CBT पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दो, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कभी भी 10 दिन 15 दिन मतलब हो जाएगा, है ना, इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। मैंने बोला ना कि अगर मान लो कोई दिक्कत होती है ये 35 kg वाला, तो अपने फ्रेंड को उठाओ, और अगर उसका वजन 70 kg है या 60 kg है, तो उस हिसाब से 50 मीटर 1 मिनट का तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और रनिंग की तो हैबिट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। इसके बाद जो आपका होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे स्टेप्स हैं यार, वो मैं आपको हो सके तो नेक्स्ट में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे स्टेप्स, मतलब 4-5 स्टेप्स ऐसे हैं जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है, वो भी आसान नहीं होता। ठीक है, बट वो बात की बात है, पहले इस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सिलेबस में कुछ नहीं रखा, सो कीप प्रिपरेशन एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे होगी मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा, अगर मेरे पास कुछ नोट्स भी होंगे तो मैं आप तक जरूर पहुँचा दूँगा। सो तब तक के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, और वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो जो कि सिलेबस होगी, असिस्टेंट लोग को पायलट और टेक्नीशियन बहुत अच्छे से बताऊँगा क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो एंड सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर दबा लो।